हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के शाहजहांपुर पुलिस ने पिकअप चोरी की झूठी सूचना देकर पुलिस को परेशान करने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार कर दोनों के कब्जे से दो पिकअप व 98,800 रुपए की राशि की जप्त। शाहजहांपुर थाना अधिकारी विक्रम चौधरी ने बताया, 100 नंबर के जरिए सूचना मिली कि हाईवे नंबर 48 पर टोल टैक्स के पास से मेरी पिकअप चोरी हो गई। मैं दिल्ली से सब्जी बेचकर जा रहा था, मेरी पिकअप को चोरी कर ले जा रहा। मैं दूसरी पिकअप से पीछा कर रहा हूँ जो जयपुर की तरफ जा रही है। सूचना पर कोटपुतली पुलिस की मदद से नाकेबंदी कराकर वाहनों की जांच की गई तो कोटपुतली पुलिस की मदद से पिकअप को राउंड अप किया तो पूरा मामला पैसे लेनदेन को लेकर लक्ष्मण ने स्वयं पिकअप देकर झूठी कहानी रचकर पुलिस को पिकअप चोरी की झूठी सूचना देकर परेशान किया। पुलिस साजिश में लक्ष्मण निवासी सारण का बास जयपुर व श्याम लाल निवासी सारण का बास जयपुर को गिरफ्तार कर दोनों के कब्जे से दो पिकअप व 98,800 रुपए की राशि जब्त कर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई। सर, ये जो पिकअप चोरी का मामला, ये क्या है? दो आरोपी पकड़े आपने। परिवादी श्यामलाल जाट निवासी सारण का वास थाना कालवाड़ ने 100 नंबर पर जदी टेलीफोन बताया कि उसकी पिकअप गाड़ी नंबर RJ14GG9701 जो टोल प्लाजा शाहजहांपुर से चोरी हो गई है। सूचना पर नाकाबंदी करवाई गई तथा उसका पीछा किया गया तो नाकाबंदी के दौरान कोटपुतली में उसे पिकअप को रुकवाया गया, जिसकी चालक था उसको दस्तयाब करके उससे पूछताछ की गई तो जांच से ये पाया कि लक्ष्मण जाट और श्यामलाल बागड़ा ब्राह्मण दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से उस पिकअप को उसको दिया था। बाद में 100 नंबर पर टेलीफोन किया गया और जिस पर लक्ष्मण जाट और श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया और लक्ष्मण जाट ने 97,800 रुपये भी उस पिकअप के साथ चोरी होना बताया था, जो लक्ष्मण जाट के इतला पर दूसरी पिकअप जो गाड़ी थी उसमें से बरामद कर।